हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त सुनीता आपको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज अभी मॉर्निंग हो गई है और आज मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, अप्पम बना रही हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने अप्पम के बैटर मैंने कल रात को ही भिगो के रखा था, फिर उसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था और अभी उसके मेरे हस्बैंड को अभी डोसा पसंद है, उनको अप्पम पसंद नहीं है, तो मैं गुड्डू के लिए बना रही हूँ अप्पम। तो हमारे घर में दो दो टाइप के बनते हैं, ऐसे डोसा बनते हैं जिसको हम उड़िया में चकुली पीठा बोलते हैं, तो वो बनती है, तो डोसा या चकुली बोल सकते हो आप, जो भी आपको जो भी पसंद है, वट एवर यू वॉन्ट। तो ऐसा पसंद है और मेरी बच्ची को पसंद है, अप्पम पसंद है, तो इसलिए अप्पम बना रही हूँ। नारियल चटनी भी मैंने बना लिया था, तो ये गांव का नारियल है। जब केरला अभी गई थी तो 5 नारियल मैंने लाए थे, नॉर्मली हम 15 से कम नारियल नहीं लाते, पर अभी इस बार 5 ही नारियल लाए। ये देखिए गुड्डी इधर बैठी है, गुड्डू बैठ के अभी चीनी और ये खा रही है, आज उसको पसंद नहीं आया। आज बोल रही है मुझे डोसा खाना है, तो डोसा उसको बना के नहीं खाया, चीनी उसको चटनी पसंद नहीं है। मैंने मेरे लिए इधर मैं अप्पम बना रही हूँ देखिए अभी, और इधर डोसा भी बनाना चालू है। तो ये उड़द दाल, चावल और नारियल पीसा था मैंने, तो चावल मैंने लिया था 2 कप, उड़द दाल 1 कप और 1 नारियल हाफ लिया था, तो उन सबको ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके रख दिया। आज सुबह ही मैंने थोड़ा नमक डाला, देन बनाया मैंने। तो ठंडी बहुत है इसलिए फूका नहीं है, फिर भी चलेगा, अभी क्या करूँ, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए अभी बन के रेडी है, ये डोसा अच्छा लग रहा है, बहुत पतला बना है, क्रिस्पी भी बना है। ये देखिए रेडी है अभी बनाया है, और तो बनाना चाहिए मेरे हस्बैंड खा के, अभी बताए और नारियल निकल चुकी है और ये नारियल की चटनी है। तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, नारियल छोटा कांदा है, नारियल है और नमक है, बस और कुछ नहीं है। अभी रेडी है, अभी मेरा ब्रेकफास्ट मैं लगाऊंगी। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगी, क्या मैं आज बना रही हूँ आप देखिए, आज कुछ नया बना रही हूँ, आपको सीखने की चीज़ है ये। कुछ वेस्ट मटेरियल से मैं कुछ नया सा बना रही हूँ, आप देखिए और सीखिए क्या मैं बना रही हूँ। मे बी ये मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, और आप भी जो वेस्ट करते हैं आपके जो होटल से डब्बे वगैरह आते हैं उसको कैसे रख के आप बना सकते हो, सुंदर सुंदर पॉट मेकिंग कर सकते हो, वो मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे आपका घर का लुक भी बहुत चेंज हो जाएगा बालकनी का, और सुंदर भी लगेगा, वो मैं आपके आज आपको आज बताऊंगी। आप देखिए कैसे बनता है और क्या क्या मैं उसमें लगा रही हूँ अभी चीज़ें भी यूज़ करके। अगर चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर देखिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए।